नमस्कार। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट्स का बताया किस तरह 5 स्टेट इंडिया के बहुत स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली 4 दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, जिनकी जो स्टेट कट ऑफ है वो ऑल इंडिया से ऊपर होते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान की नीचे होती है। अब देखिए, यही फ़र्क आता है प्राइवेट कॉलेजेस में और कभी बार, क्योंकि अगेन आप लोग फ़ोन कर रहे हो, मैं बात नहीं कर पाता बिना चार्ज किए, आप लोग परेशान होते हो, तो फिर से हमेशा तो वीडियोज़ का पर्पज़ ये है कि आप एक जनरिक चीज़ समझ लें और शायद आपको मुझे कॉल ना करनी पड़े। और ये वीडियोस मेरे करंट क्लाइंट्स को भी हेल्प करते हैं, वरना वो मुझे इंडिविजुअली फ़ोन करते हैं, मेरा ये भी पर्पज़ है। अब कई लोग ये कहते हैं, सर डीएमडी की कट ऑफ बनाई, अगर आपके हिसाब से मौलाना इतना ही अच्छा है तो एमजीएम औरंगाबाद या एमजीएम नवी मुंबई कट ऑफ इससे ऊपर क्यों है? बड़ा जेन्युइन सवाल है। या फलाना कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ उस कॉलेज से ऊपर क्यों है? तो शायद वही बात है कि मैं कहता हूँ हमेशा, विवेक गुप्ता, आई एम नॉट अ एमबीबीएस एजेंट, आई एम श्योरली MBBS काउंसलर, बट उससे बड़ा मैं एक लाइफ और करियर काउंसलर हूँ, और उससे बड़ा मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। आई हैव स्टडीड वेरी वेरी हाई एजुकेशन, MBA एंड BTech फ्रॉम इंडिया टॉप कॉलेजेस, और बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जॉब्स की मैंने बिफोर आई चोज दिस करियर एज अ प्रोफेशन, एज अ पैशन। तो मैंने दुनिया को ना बड़े लेवल पर देखा हुआ है। आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, क्योंकि फिर से ये ज़्यादा वीडियो है, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट हैं वो नॉर्थ पट्टी के हैं, मतलब हिमाचल से शुरू होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक, मध्यमाश्रम महाराष्ट्र में, बस एक भी क्लाइंट नहीं है तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना या कर्नाटका स्टेट का, एक भी नहीं है। और ये भी एक फैक्टर है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि चूँकि मैं हिंदी में ज़्यादा बात करता हूँ, हिंदी समटाइम इंग्लिश, और जितने भी ऐसे काउंसलर्स हैं ना जो हिंदी इंग्लिश में बात करने हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ उनके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा इन 5 स्टेट्स का। और देखिए, मैं भेदभाव या प्लीज़ मैं गलत दृष्टि से नहीं बोल रहा, इंडिया एक कंट्री है बट वी आर ए वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री। नॉर्थ साउथ का डिवाइड मैं वीडियो पे नहीं बोलना चाहिए, बट वो प्रैक्टिकल है। अब एक टिपिकल तमिलियन, या पहले मैं एक लाइन देता हूँ, नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं MMU सोलन, मोस्टली सरकारी कॉलेज, हरियाणा के सारे सरकारी प्राइवेट कॉलेज, UP के प्राइवेट कॉलेज, जो बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं, जो इन वीडियो को देख रहे हैं, जो कॉलेज में विजिट कर रहे हैं, आज तक आपने कितने साउथ इंडियन फ्रॉम दीज 5 स्टेट्स कॉलेजों में देखे हैं? क्या शिरा मूर्ति टॉप क्लास कॉलेज नहीं है? तो क्यों एक कर्नाटका का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता, या क्यों एक तमिलनाडु का बच्चा, बाकी सब छोड़ो, हमदर्द भी नहीं दिखेगा आपको, क्यों जॉली ग्रांट में एक भी आपको तेलुगु बच्चा नहीं दिखता? क्या उनके 450 नंबर नहीं आते? क्योंकि वो लोग जो है ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर कम्फर्ट। उनको पता है कि भाई हम नॉर्थ इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नॉर्थ इंडियंस का रहना खाना पीना डिफरेंट है, बात करने का तरीका डिफरेंट है, रहने का तरीका डिफरेंट है। तभी राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि आई फील फ्रेश व्हेन आई केम टू वायनाड, जब वो मीटिंग में हार गए थे, पर उसका एक गहरा मतलब है। अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। अब मैं, और दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं नॉर्थ इंडियन इस पट्टी के, पंजाब क्लोज स्टेट है, बट पंजाब के साथ भी दिक्कत है कि मैंने बोला कंपटीटिव स्टेट है और डिस्काउंट है, लेकिन एक 4 लाख है, एक 10 लाख है, फीस 11 लाख तो पूरी हो गई, और 4 लाख की कट ऑफ इसलिए ऊपर जाती है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, UP, बिहार, क्या कोई आपने डिस्काउंट सुना स्टेट के लिए? नहीं सुना, पर बाकी हर जगह डिस्काउंट है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में सारे प्राइवेट कॉलेज की जनरल की फ़ीस है 10 लाख रुपये साल, SC ST के लिए फ्री है, और वहाँ खूब सारे सरकारी कॉलेज हैं। अब मैं एक महाराष्ट्रीयन हूँ, समझो मेरे 400 नंबर आए, केरल के लिए मेरे पास ऑप्शन है नहीं, तमिलनाडु मेरे पास ऑप्शन आ सकती है, लेकिन मुझे वहाँ भी 13.5 लाख प्लस हॉस्टल देना है। सेम आंध्रा या तेलंगाना की मैं ले सकता हूँ मैनेजमेंट सीट पर, आई एम टिपिकल महाराष्ट्रियन, डिसेंट मनी। मेरे बगल में गुजरात है, क्लोज स्टेट है, मेरे बगल में मध्य प्रदेश है, क्लोज स्टेट है, मेरे के पास क्या ऑप्शन है MGM औरंगाबाद और MGM नवी मुंबई के अलावा? जबकि उसके पास ऑप्शन है, वो UP आ सकता था 12 लाख की फ़ीस में, लेकिन टिपिकल महाराष्ट्रियन ये सोचता है कि भाई UP में भी 70 लगने हैं, यहाँ मेरे करोड़ रुपये लगने हैं, टिपिकल महाराष्ट्रियन विद मनी, मैं 30 लाख फालतू खर्च कर देता हूँ पर मैं महाराष्ट्र में रहूँगा। क्योंकि महाराष्ट्र के जो स्टेट प्राइवेट कॉलेज है वो मिलते ही नहीं है उनको, बिकॉज दे आर वेरी लो कॉस्ट, तो सारे जनरल कैटेगरी वाले ऊपर वाले उसको ले लेते हैं, और कैटेगरी में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इवन जो वहाँ कैटेगरी का भी बच्चे हैं, वो स्लाइटली वेल्दी, दे विल टेक स्टार्टिंग में, वो MGM से स्टार्ट करेंगे, जो 80-90 लाख का पैकेज हो गया, फिर वो कृष्णा कराड़ भी ले लेंगे, वो JLN वर्धा भी ले लेंगे, तो उनकी कट ऑफ ऊपर खे सकती है। नॉर्थ में क्या है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा स्टेट है,
जिसने 220 नंबर के सारे बच्चों को निपटा दिया सिर्फ 70 लाख के पैकेज में। अच्छे बुरे की बात छोड़िए फिलहाल इस वीडियो के पर्पस से, तो राष्ट्रीयन भी यहाँ नहीं आना चाहता, वो हम ही हैं इन 6 स्टेट के लोग, खासकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं। बिहार से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, सर पौंडेचेरी का ये कैसा है, अरे तमिलनाडु का ये कैसा है, सर उसकी कट ऑफ तो इतनी है, सर उसकी कट ऑफ तो उससे भी ख़राब है, सर MGM की कट ऑफ बहुत ऊपर है, वो शानदार कॉलेज है क्या, सर उसकी तो कट ऑफ जॉली ग्रांड से भी ऊपर है, वो शानदार कॉलेज है क्या। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप में से आधों को DM के अलावा कुछ पता ही नहीं है, तो मोस्टली लोग जॉली ग्रांड श्री गुरु राम राय के बारे में जानते ही नहीं है, श्री राम मूर्ति के बारे में जानते ही नहीं है, जो ऊपर सेट की बात कर रहा हूँ, DM से लुधियाना, CM से लुधियाना और MGM के बारे में भी नहीं जानते जयपुर। लेकिन दूसरा एंगल क्या आ रहा है कि चूँकि डीम्ड में ऑप्शंस कम है तो महाराष्ट्रियन उसको पुश कर रहा है। सिमिलरली गुजरात के भी प्राइवेट कॉलेज बहुत सस्ते हैं, इसे क्लोज स्टेट विद अगेन सब्सिडी। मैं टिपिकल गुजरात का बंदा हूँ, मेरे पास एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है, SKBS वडोदरा। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो उस तरफ, क्योंकि मेरा क्लाइंट रह चुके हैं देवास वगैरह साइड पर, आपके लिए वो बड़ी पास पड़ती है। MP बींग अगेन ए क्लोज एज वेल एज सब्सिडाइज स्टेट, MP में भी आपको पता ना भयंकर सब्सिडी मिलती है बिकॉज ऑफ मेधावी छात्र योजना। तो अगर आपके 400 नंबर भी हैं, आप स्ट्रगल करते हो कहाँ जाऊँ, तो आपको लगता है चल यार UP में भी 75-72 देने ही हैं तो मैं यहाँ पर 90 दे देता हूँ, बगल में रहेगा बच्चा, पास में रहेगा, तो वो ना बगल पास का फैक्टर बहुत आ जाता है जो पुश करता है कट ऑफ को ऊपर। आप टिपिकल गुजराती हो, गुजरात में रहना चाहते हो, वडोदरा इज़ ए गुड सिटी, आप पुश करते हो। हम नॉर्थ इंडियन भी ऐसा करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, हम भी पुश करते हैं कट ऑफ को क्योंकि हमें लोकल कॉलेज चाहिए। लेकिन ये जो आग है ना लोकल कॉलेज की, ये मैंने वहाँ पर ज़्यादा देखी है। मतलब वी नॉर्थ इंडियंस आर फार मोर ओपन टू गो एनीवेयर, तभी हम भर भर के JLN बेलागावी और JSS और KS हिगड़े और इवन SDU कोलार तक चले आते हैं। JLN वर्धा मैंने बच्चे को भेजा हुआ है, हर जगह ही भेजा, खैर MGM भेजे हुए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं हमारा बच्चा तो पौंडेचेरी भी जाने को तैयार है, तब चेन्नई भी जाने को तैयार है, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आते। मैं देखिए नॉर्थ साउथ डिवाइड को नहीं भड़का रहा मैं, मेरी आई होप मेरी बात समझ रही, कट ऑफ कैसे ड्राइव होती हैं। अब एक और फैक्टर, लास्ट फैक्टर, कि चूँकि पहले से चलता आ रहा है, तो मेरी अभी एक क्लाइंट है, वही एग्जांपल दे रहा हूँ, अब शी कुड हैव गॉट जॉली ग्रांट ऑल्सो, शी कुड हैव गॉट थोड़ा सा फाइट मारते SRM बरेली ऑल्सो, बट पता है क्यों चूज़ करा कि सर लास्ट टाइम मेरी एक बड़ी अच्छी स्कूल की फ्रेंड ना JSS चली गई है, तो उसके साथ रहना है। अब चूँकि ये हर साल का ट्रेंड है कि जो सबसे पहले DMD काउंसिलिंग स्टार्ट होगी, सब लोग भरेंगे कस्तूरबा, जमशेदपुर, सिम्बोसिस, JSS, JLN, फिक्स वो है लिस्ट। तो उसके वो 480, 490, 510 वाले सारे बच्चे JSS, JLN जा चुके हैं, उसकी फ्रेंड चली गई थी पिछले साल, मैं जाऊंगी इस साल, ये जाएगी इस साल, इसकी एक और फ्रेंड या जूनियर रहेगा अगले साल, तो उसकी वजह से उन कॉलेज की कट ऑफ ऊपर चली जाती रहती है। और वही वैसे ही शानदार कॉलेज में भी, चाहे वो MME मौलाना हो, चाहे वो SKBS हो, चाहे वो और दो चार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना इज़ एज़ गुड एज़ JSS मैसूर, वो फिर भी थोड़ा बेटर ही है, बट जॉली ग्रांट इज़ डेफिनेटली मे बी एज़ गुड और बेटर देन JSS मैसूर और JLN बेलागावी। बट वो सब हम वेट भी नहीं करना चाहते उत्तराखंड राउंड वन की, DM राउंड वन आया, फट से हमने JSS या JLN बेलागावी पकड़ लिया। तो आप बात समझ रहे हो मेरी कि ये ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को ऊपर ले जाते हैं। पुराना एक पैटर्न चलता आ रहा है, क्योंकि 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले सबसे पहले काउंसलिंग इसकी शुरू होती है, सबसे पहले आपको सीट इसकी मिल जाती है। आपको मैं बहुत तसल्ली देता हूँ कि दोबारा भी मिल जाएगी नेक्स्ट राउंड में सेम सीट, लेकिन नहीं नहीं सर मिल गई है, ले ला के नक्की करो। वो सब फैक्टर्स भी कट ऑफ को ऊपर नीचे करते हैं, तो सिर्फ कट ऑफ को देख के, पुराने स्टूडेंट कहाँ गए हैं उनको देख के ही फैसला करोगे, तो वही बात है फिर अच्छे काउंसलर की क्या ज़रूरत है। अच्छे काउंसलर का पर्पज़ ही शायद ये है कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चाहे हमसे आप काउंसलिंग करवाएं ना करवाएं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि ज़्यादा से लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है, उसके हिसाब से ताकि वो एक्शन करें और राइट डिसीजन लें। और हमसे संपर्क करना चाहें, यू नो 9643320 पे कॉल कीजिए, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है वीडियो के, 9643320, और हम इस बात को आगे लेके जाएंगे। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।